मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। वसई में बाइक सवार दो युवकों को तेज रफ्तार इनोवा कार ने जबरदस्त टक्कर मार दी है। हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। वालू पुलिस ने इनोवा ड्राइवर अर्जुन श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार एक बाइक पर दो युवक जाते हुए नजर आ रहे हैं, तभी अचानक तेज रफ्तार इनोवा कार इन दोनों को टक्कर मार देती है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इन दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनोवा ड्राइवर अर्जुन श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया है। वाली पुलिस हद्दीमध्ये फादरवाडी येथे सकाळी एका इनोवाने ऍक्टिवा गाडीवरील दोघा जणांना उडवलं होतं। त्या दोघा जण जखमी झाल्यानंतर त्यांचे मीरा रोड येथे उपचार चालू होते, तर त्या अनुषंगाने त्यांची कायदेशीर तक्रार घेऊन त्या वाली पोलिसांना गुन्हा दाखल आहे। याचे सीसीटीव्ही फुटेज होते, परंतु गाडीचा नंबर नव्हता। त्या मार्गावरील आपण सगळे सीसीटीव्ही फुटेज चेक केल्यानंतर आरोपी आपल्याला मिळून आलेली, ती गाडी मिळून आलेली आहे। आरोपीला अटक केलेली आहे आणि आज त्याची पोलीस कस्टडी येत आहे। त्या अनुषंगाने पुढील तपास चालू आहे। आरोपीचं नाव काय आणि आरोपीचा आरोपीचं नाव अर्जुन श्रीवास्तव असं आहे आणि त्याच्यावर पुढील चौकशी आपण करत आहोत।